गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एल्गी लाइफ साइकिल, जिसमें हम एल्गी के जीवन चक्र के बारे में देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी जनरेशन पाई जाती है और इनका क्या जीवन चक्र चलता है, कि एक फेज से दूसरे फेज में किस प्रकार जाता है। लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी या शैवालों का जीवन चक्र। एल्गी जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, उनके लाइफ साइकिल में दो अवस्थाएं पाई जाती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ देखा जाता है यूकैरियोटिक एल्गी में। तो जो यूकैरियोटिक एल्गी है, उनकी जो लाइफ साइकिल होगी उसमें दो फेज हमें देखने को मिलेगी। एक तो होती है उसमें हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम हैप्लॉइड मिलता है या सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट है, तो इसे हम एन से लिखते हैं। और दूसरा होता है इसमें डिप्लॉइड, द्विगुणित भी कहते हैं, और इसको 2N से लिखते हैं। तो इस तरह से अगर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट है तो हैप्लॉइड कहलाता है, या एगुणित की क्रोमोजोम का केवल एक ही सेट उपस्थित है। अगर कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम के दो सेट उपस्थित हैं तो वो द्विगुणित कहलाएगा। तो हैप्लॉइड ये अर्धसूत्री विभाजन से बनती है, ये जनरेशन अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें क्रोमोजोम का नंबर हाफ रह जाता है। जैसे कि चार थे, दो सेट उपस्थित थे, तो सिंगल सिंगल सेट उपस्थित है, तो इस तरह से अर्धसूत्री विभाजन कहलाएगा। और जो डिप्लॉइड जनरेशन होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है, कि जो एन प्लस एन तब जाकर के 2N बनेगी। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड जनरेशन आती है, और हैप्लॉइड जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है, गैमिटोफाइट या युग्मकोद्भिद भी कहते हैं इसे। और वेजिटेटिव थैलस हैप्लॉइड एगुणित होता है और इसे गैमिटोफाइट कहते हैं। इसमें क्या होगा, जो गैमिटोफाइट है वो हैप्लॉइड जनरेशन होती है। ये जो वेजिटेटिव थैलस होगा, जो प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी, वो कैसी होगी, मेन प्लांट बॉडी ये कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी, और इसे गैमिटोफाइट भी कहते हैं। इसी तरह से होती है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट होती है जो कि डिप्लॉइड होगा, 2N होती है ये, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड और ये 2N है। कुछ एल्गी में थैलस डिप्लॉइड पाया जाता है और स्पोरोफाइट कहलाता है। अगर डिप्लॉइड थैलस है तो स्पोरोफाइट, हैप्लॉइड है तो गैमेटोफाइट कहलाएगा। गैमेट्स इनके बीच फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के कारण क्या होगा, जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। एन प्लस एन फ्यूजन हुआ, जायगोट बन गया जो कि 2N होता है। अब इसमें क्या होगा, ये आगे डेवलप होकर के स्पोरोफाइट बनाएगा। इसी प्रकार से अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस हो जाता है तो यह स्पोर बनाएगा जो कि हैप्लॉइड स्पोर होते हैं। स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में आगे क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे और ये गैमिटोफाइट कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाता है, गैमिटोफाइट हैप्लॉइड प्लांट होता है और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। अब यहाँ देखते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से मतलब होता है पीढ़ी एकांतरण। जैसा कि अब तक हमने देखा कि जो एल्गी है उसमें हैप्लॉइड जनरेशन होती है, जो मेन प्लांट बॉडी है वो तो हैप्लॉइड है, और जब जायगोट का फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी वहां पर देखी जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हैप्लॉइड है एन और 2N, इनके बीच एक चक्र चलेगा, कि एक बार हैप्लॉइड जनरेशन आ गई, दूसरी बार डिप्लॉइड, ये एक दूसरे के साथ रिपीट होते रहते हैं, अल्टरनेशन में पाए जाएंगे। तो यह है क्या कहलाएगी, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाती है। रेगुलर सक्सेशन ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्टेज इन लाइफ साइकिल इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ पे यह देखेंगे कि जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशन है उसका रेगुलर सक्सेशन पाया जा रहा है, कि एक बार हैप्लॉइड जनरेशन आई, फिर उसके बाद डिप्लॉइड, डिप्लॉइड के बाद हैप्लॉइड, तो इस तरह से एक के बाद एक रिपीट हो रहा है। इसे क्या कहेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अगुणित व द्विगुणित अवस्थाओं के नियमित अनुक्रम को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। दोनों जनरेशन का एक के बाद एक आना लाइफ साइकिल या जीवन चक्र कहलाता है। तो ये तो पीढ़ी एकांतरण हो गया कि फिक्स है, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड के बाद हैप्लॉइड, हैप्लॉइड के बाद डिप्लॉइड आ रही है, और इसी को ही हम लाइफ साइकिल ये जीवन चक्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, जैसे हैप्लॉइड है, यह गैमेटोफाइट एन है, और ये इसकी लाइफ साइकिल दी हुई है, जिसमें कि गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट आ रहा है जो कि डिप्लॉइड होता है। तो इस तरह से यह है, एक रिपीटेशन चल रहा है। अब यहाँ देखते हैं टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। फर्स्ट है हैप्लोबायोन्टिक, जिसे हिंदी में कहते हैं अध्यय गुणित, हैप्लोबायोन्टिक, एंड सेकेंड डिप्लोबायोन्टिक, अधि द्विगुणित। तो इस तरह से अब इसमें हम आगे देखेंगे कि हैप्लोबायोन्टिक क्या होती है। लाइफ साइकिल में केवल एक ही प्रकार का वेजिटेटिव थैलस
यकाइक थैलस पाया जाता है। अगर किसी एल्गी की लाइफ साइकिल में एक ही जो प्लांट बॉडी है एक ही टाइप की मिल रही है और वो मिल रही है हैप्लॉइड, तो ये क्या कहलाएगा? हैप्लोबायोटिक या हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल ये कहलाएगी। केवल जो हैप्लॉइड थैलस है वो ही पाया जा रहा है। इसी तरह से डिप्लोबायोटिक, जैसे नाम से पता चल रहा है कि लाइफ साइकिल में दोनों प्रकार के थैलस पाए जाएंगे, हैप्लॉइड भी और डिप्लॉइड भी, तो उसको कहेंगे डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में दो प्रकार के वेजिटेटिव थैलस पाए जाते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। अब यहाँ दिया हुआ है कि स्मिथ व काइलिन के अनुसार थैलस मॉर्फोलॉजी के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? जो बाह्य आकार की होती है उसे मॉर्फोलॉजी कहेंगे। तो उसके आधार पर थैलस निम्न प्रकार के उसने डिवाइड किए। सबसे पहला है आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक या समरूपी। ये जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड थैलस होगा वो दिखने में एक जैसा हो मॉर्फोलॉजिकली, तो इसको आइसोमॉर्फिक कहेंगे। लाइफ साइकिल में तो डिफरेंट थैलस पाए जाएंगे, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, लेकिन सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होते हैं, आइसोमॉर्फिक या समरूपी कहलाएंगे। दूसरा है हिट्रोमॉर्फिक या विषमरूपी। लाइफ साइकिल में तो डिफरेंट थैलस पाए जाते हैं, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी। विषम रूपी क्या हो गया? दो प्रकार के थैलस तो मिल रहे हैं, हैप्लॉइड भी है डिप्लॉइड भी है, लेकिन अब वो मॉर्फोलॉजी में अलग अलग है कि उन्हें देख के ही पहचाना जा सकता है कि कौन सा हैप्लॉइड है और कौन सा डिप्लॉइड है, दिखने में वो बिल्कुल अलग है। तो ये क्या कहलाएगी? हेट्रोमॉर्फिक लाइफ साइकिल कहलाती है, विषम रूपी। अगर सिमिलर है तो समरूपी और अलग है तो हेट्रोमॉर्फिक कहलाएगी। पीढ़ी एकांतरण प्रावस्था के आधार पर निम्न प्रकार के जीवन चक्र पाए जाते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि जो पीढ़ी एकांतरण है या पीढ़ी प्रावस्था है, जनरेशन है, उसके आधार पर कितनी जनरेशन मिल रही है, उसके आधार पर लाइफ साइकिल इन्होंने डिवाइड की है। फर्स्ट है मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक क्या होगी? एक पीढ़ी है कहलाती है कि इसकी लाइफ साइकिल में क्या होगा, एक ही प्रकार का थैलस पाया जाता है। अगर लाइफ साइकिल में एक ही प्रकार का थैलस है तो उसे मोनोजेनेटिक कहेंगे, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो इसको क्या कहते हैं? मोनोजेनेटिक, मोनोमॉर्फिक या एक रूपी भी कहा जाता है, अगर लाइफ साइकिल में एक ही प्रकार का थैलस देखने को मिल रहा है। दूसरा है डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक क्या कहलाएगा? द्विपीढ़ी है। लाइफ साइकिल में दो प्रकार के थैलस पाए जाते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। अगर दो प्रकार के थैलस मिल गए तो डाइजेनेटिक कहलाएगी या द्विपीढ़ी कहलाती है। इसे डायफेजिक, द्विप्रावस्थी या डायमॉर्फिक या द्विरूपी भी कहते हैं। तीसरा है ट्राइजेनेटिक। ट्राइजेनेटिक क्या कहलाएगा? कि त्रिपीढ़िया भी कहते हैं इसे। लाइफ साइकिल में तीन प्रकार के थैलस पाए जाते हैं, ट्राइमॉर्फिक भी कहलाती है। थैंक यू।